हाउसकीपिंग करने दो, देखते हैं हाउसकीपिंग करते हैं क्या लोग। ओ भाई बढ़िया चीज है यार, ये तो हाउसकीपिंग का बाई डिफॉल्ट लोग सारी चीजें डाल देंगे क्या अंदर? इसके अंदर डाल दी क्या? ओ तेरी, अरे 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 ये क्या है ब्रो? भाई ये क्या हो गया? ओ तेरी, होटल मैनेजमेंट सिम्युलेटर में ट्रैफिक सिम्युलेटर कैसे हो जा रहा है भाई? ये क्या हो रहा है, ये क्या है? मैं नहीं समझ मारो, पागल हो जाऊंगा मैं। साला दिमाग खराब कर दिया था भाई मैंने, सारी की सारी टाइलें उठा के वेयरहाउस यहाँ पर लेकर आ गया मैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू होटल मैनेजमेंट सिम्युलेटर पार्ट नंबर 4, जहां पर आज हम लोग फाइनली अपना पूरा का पूरा होटल मैनेजमेंट सिम्युलेटर को हम लोग ऑटोमेटिक करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को हायर करने वाले हैं, क्लीनिंग के लिए, एक वेयरहाउस के लिए, गैस स्टेशन के लिए, सो दैट हम लोग पूरा ध्यान रख पाए पैसे कमाने में। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग का गोल ये है कि भाई हम लोग और 2 रूम बनाए नए नए बड़े बड़े, जिसमें भाई मजे आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फ्री टाइम लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो, लेट्स गो। हमें 2 स्टार और करने हैं, हालांकि हम लोग बहुत सारे कस्टमर्स को फिलहाल केटर कर रहे हैं, तो हमारे भाई 5 स्टार जल्दी होने वाले हैं। एंड आपको प्रीवियस एपिसोड में देखकर पता चल ही गया होगा कि हम लोग ने कैसे लेट्रैक्स के लिए रूम बनाया, टेक्नो भाई के लिए रूम बनाया, यहाँ पर हम लोग ने 5 स्टार अपनी शॉप भी कर दी। भाई नेक्स्ट लेवल प्रोग्रेस हो रहा है हमारा। एंड यहाँ पर गाइस अभी है ना दिक्कत ये आ रही है यार, ये है ना हमें यहाँ पर डबल करने पड़ेंगे, क्योंकि यार देखो नंबर 2 और नंबर 4 ये तो बहुत लग्जरी है, बट नंबर 1 और नंबर 3 में से है ना ये रूम नंबर में से ना इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो मैं ये करने वाला हूँ, सारी की सारी रूम्स को है ना आज मैं क्लीन करने वाला हूँ, ठीक है? सारी की सारी रूम्स को भी मैं ना एक देखो यहाँ पर, और 23 मिनट में ये खाली हो जाएगी, 3 मिनट में ये खाली हो जाएगी, 40 मिनट में ये खाली हो जाएगी, मतलब इन शॉर्ट जैसे ही लोग खाली होते हैं ना गाइस, वैसे हम लोग है ना ये सारे रूम को रीडेवलप कर लेंगे। बाकी आप अगर देखोगे तो गाइस हमारे पास $13,600 पड़े हुए हैं, हम लोग ने इतना ज्यादा फ्यूल बेचा है, इतना ज्यादा सामान बेचा है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोग कहा कि हमें एक है ना वेयर हाउस के लिए बंदा रखना पड़ेगा, एक क्लीनर रखना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं, ठीक है? फिलहाल तो अपग्रेड में जाना पड़ेगा हमें, अपग्रेड में क्या है ना मैं शॉप को और बड़ा तो करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? उसके अलावा वेयरहाउस को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है? डबल बड़ा कर लेते हैं, इससे ज्यादा और बड़ा कर लेते थे बट अभी नहीं करते हैं, ठीक है? फ्यूल स्टोरेज हमें अपग्रेड करना है मैक्स, बहुत पैसा है हमारे पास, मैक्स स्टोरेज हमने कर लिया फ्यूल का। मोटल की रूम्स अभी हमें गाइस अपग्रेड करनी है, और गाइस एक बार देखो, एक बार हमने अभी तक सिर्फ 4 रूम्स खरीदी है, जितने स्टार है ना उतनी ज्यादा रूम हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है? और $500 की आ रही है, तो मेरे हिसाब से गाइस बहुत वर्थ इट है ये $500, ठीक है? 2 ले लिए ना गाइस, सबसे 2 एक और ले लेते हैं, ठीक है? एक और ले लेते हैं, ठीक है? स्टाफ रूम की अभी फिलहाल जरूरत तो नहीं लग रही है, बट एक बार जैसे मॉडल हो जाएगा ना उसके बाद हम लोग स्टाफ रूम अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा पैसा सेव करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ये दोनों रूम के अंदर लग्जरी आइटम्स लगाने वाले हैं। फ्यूल डिस्पेंसर की जरूरत नहीं है, पावर रूम हम लोग अपग्रेड कर देंगे, बार बार ही लाइट जाने की झंझट मारी है ना, मेरे को चाहिए ही नहीं। तो भाई फटाफट है ना ये सारी चीजें पहले अपग्रेड कर लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग में, ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये फ्यूल डिस्पेंसर की जरूरत नहीं है, पावर रूम हो गया हमारा अपग्रेड, एडवर्टाइजमेंट हमारा अपग्रेड हो गया है, बस पार्किंग ये क्या है मुझे नहीं मालूम है, बट ओवरऑल यहाँ पर लिखा ये है कि अगर बसेस आती है हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे कस्टमर को ड्रॉप कर सकती है, तो भाई मेरे हिसाब से तो ये अपग्रेड करना जरूरी है। दोनों बस पार्किंग खरीद लेने का ट्राई यार दोनों नहीं करते, अभी फिलहाल बहुत खर्चा हो गया गाइस, $5,000 बचे हैं यार मेरे पास सिर्फ। और हाँ एक और बात गाइस, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट भी हमारे पास बहुत पैसा कमा के दे रही है हमें, और यहाँ पर और भी स्लॉट्स खुल चुके हैं, तो इसको भी हम लोग ले ही लेते हैं गाइस। आ जाओ, कौन सी वाली सबसे ज्यादा कमा के दे रही है? $64 ये कमा के दे रही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो और कौन सी कमा के दे रही है? $38, $41 एक ये कमा के दे रही है, और एक हमें लेनी है गाइस जो कि हम लोग पता नहीं कौन सी लेंगे, बट 36, 28, 35, 38 ये एक ले लेते हैं। इतनी सारी एड्स हमारे पास और भी आ चुके हैं, इनको हैंग करना होगा हमें, बट फिलहाल गाइस ये जो एड लगी हुई थी हर जगह पर उसका पेमेंट आ चुका है, $2,800 एड हो चुके हैं वापस हमारे पास, $8,000 हो चुके हैं। एंड ऑल्सो गाइस अगर हम लोग बात करें तो और भी जो ये जो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना गाइस ये कहाँ से आती है मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो जो भी एडवर्टाइजमेंट हम लोग बाय करते हैं ना वो मेल पे आ जाती है, तो अभी बस हमें ना हमें इनको खाली चिपका देना है, हमें खाली यहाँ पर हर जगह पर, ये देखो ये एक यहाँ पर हम लोग चिपका देंगे ना तो मस्त सा लगेगा, ये देखो ये यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे सब्सक्राइब वाला, आप लोग को भी कहीं सब्सक्राइब बटन दबाना है, ठीक है? ऑलराइट, और एक है ना वेयरहाउस पे तो बहुत कम पब्लिक ट्रैफिक आती है, तो मैं तो कहता हूँ एक यहाँ लगा देते हैं गाइस यहाँ पर। चलो डन है, एक बार चेक कर लेते सारे एडवर्टाइजमेंट डन है ना प्रॉपर तरीके से। अरे यार ये आ रहा है ओवरलैपिंग एंड एड, ओके कोई एक एडवर्टाइजमेंट हमारी ओवरलैप कर रही है, वो टाइड वाली जो है ना हाइड टाइड वाली, कहाँ हमने डाली थी वो, यही तो है वो, ये ओवरलैप कर रही है गाइस, तो इसको है ना हमें है ना आई गेस हमारे पास और भी होटल के रूम्स हैं वहां पर हम लोग डाल सकते हैं। देखो हम लोग ने कैसे कैसे एडजस्ट करा हुआ है,
भाई ये साता वाला रूम कितना बड़ा है यार, कैसे ब्रो? ओके अभी यहाँ के रूम और भी बड़े हो गए हैं क्या? और ये वाला रूम भाई, ये भी कितना बड़ा रूम दिख रहा है मुझे, लग रहा है या आपको भी लग रहा है ये रूम बड़े लिख रहे हैं यार? चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। कस्टमर ऑफिस पे आ चुके हैं, ये 3 मिनट वाला चेकआउट होगा मोस्ट प्रोबेबली। यस चेकआउट है, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, हमारे पास अभी बहुत सारी रूम्स आ चुकी हैं, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना चाहता हूं। एक काम करते हैं, फ्यूल की कैपेसिटी देखते हैं। हम लोग ने फ्यूल तो बढ़ा ली ना गाइस, फ्यूल की कैपेसिटी क्या चल रही है? ओ भाई 1700 लीटर, 2000 लीटर हमारी कैपेसिटी हो चुकी है। बट गाइस एक ही बार में $2000 उड़ जाएंगे हमारे। बट गाइस इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ इट। हमारे यहाँ पर गाइस फ्यूल स्टेशन पर भी बहुत सारा पैसा जमा होगा, तो वो भी हमें लेना है यहाँ पर। हमें तोतला बोलने लगा हूँ गाइस, $1200 हमारे फ्यूल स्टेशन में कलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर भाई $300, यहाँ पर $109, और यहाँ पर बसेस बहुत सारी आने लगी गाइस। अब गाइस गजब लेवल का गाइस, अभी क्लीनिंगनेस के लिए जरूरत होगी हमें गाइस। एक है ना बंदा हायर कर लेते हैं क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है? हम मैंने हायर नहीं करा है क्लीनिंग के लिए, तो हायरिंग पे जाते हैं। और क्लीनिंग के लिए ना हमारे कोई अच्छे से, यार मेरे हिसाब से ना जो लड़कियां होती है ना, ये सारी चीजें सारे एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे तरीके से करती है, डेडिकेटेड तरीके से। लड़के होते हैं ना वो काम चोर रहते हैं यार। तो मैं चाहता हूँ ये फ्रिया को हम लोग बुला लें गाइस, ठीक है? फ्रिया को हम लोग ने बुला लिया यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो कैश रजिस्टर इसका आ गया है, गैस स्टेशन इसका आ गया है। इसको हम लोग कह रहे हैं गाइस कैश रजिस्टर हो गया है, गैस स्टेशन हो गया है, वेयर हाउस और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग। इसको हम लोग क्लीनिंग के लिए फिलहाल रखते हैं। और इसमें भी ना क्लीन द शॉप, क्लीन द ऑफिस, क्लीन द रूम्स की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है हमें, खाली शॉप और ऑफिस खाली क्लीन कर दें। शॉप की मेन है गाइस, ठीक है? इसको पे कर देते हैं इन सबको, ठीक है? चलो नाइस, 3 लोग हायर हो चुके हैं। असाइनमेंट्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें हैं और, बट गाइस फिलहाल के लिए हमारे पास एक और वर्कर आ चुके हैं अब यहाँ पर। ये देखो ये रही वो फ्रिया। चलो भाई फ्रिया जल्दी जाओ अपने काम पे लग जाओ, एंड यहाँ पर होपफुली हमारे सारे कस्टमर सही से काम कर रहे हो। थोड़ी मोड़ी क्लीनिंग रहने देते हैं इसको, हम लोग देखना है मुझे कि वो कैसे काम करती है उसके। अब ये क्या है? ओ ये क्लीनिंग कर रही है भाई, नाइस यार। अच्छा ये डब्बा लेके जा रही है, मुझे लगा ये चोर है भाई एक सेकंड के लिए। अभी हग कर लिया भाई उसको इसमें। चलो ठीक है यार, बट अभी यार हम लोग ने वेयरहाउस भी बड़ा तो कर लिया है गाइस। बट एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो कि ना, हमें ना ये शॉप वापस रिफिल करनी पड़ेगी धीरे धीरे। यहाँ पर तो सारा सामान ही चला गया है, तो शॉप के लिए ना बहुत सारी चीजें मंगवा ली हुई है। तो अभी है ना लमसम एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग को गाइस ये 2-1 और ये 2 रूम, हम लोग ने 3 रूम बढ़ाए, ठीक है? ये 1 रूम बढ़ाया है, ये 2रा रूम अभी जस्ट खरीदा और ये 3रा रूम उन्होंने खरीदा। बहुत गंदे हैं सारे रूम। बट अभी गाइस दिक्कत ये है ना, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो सिंगल बेड के लिए आते हैं। सिंगल बेड वालों को है ना यार हमेशा मैं फ्रस्ट्रेट रहता हूं गाइस। देखो ये देखो, इससे सिंगल बेड है इसको दे दिया, बाकी इसमें डबल बेड है गाइस। ये देखो ये डबल बेड है, बट इसके अंदर बंदा सिंगल ही आया है, समझ रहे हो? तो सिंगल बेड के लिए कस्टमर्स बहुत आते हैं, तो मुझे ना उनको यार डबल बेड देना पड़ता है गलती बेकार में, तो वो एक गड़बड़ हो जाती है। तो मैं सोच रहा हूं गाइस छोटे छोटे जो रूम्स है ना, ये वाले जो ये थर्ड वाला रूम भी है ना गाइस, इसको हम लोग है ना खुला ही है। ओके एक काम करते हैं, सबसे पहले सारी चीजें धोने में डाल देते हैं, ठीक है? क्या गंदा किया है भाई इसने, हे भगवान। मैं सोच रहा हूँ गाइस ये जो डबल बेड है ना, इसको सिंगल बेड कर देंगे हम लोग, ठीक है? ये यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम लोग सिंगल बेड ही करने वाले हैं। बाकी सारी हम लोग है ना सामान हम लोग धोने में डाल देते हैं, ठीक है? चलो बढ़िया। एक मिनट रुक जा रुक जा, यहाँ पर और भी टॉवल्स हैं जो धोने में डालने हैं, और कचरा यहाँ का हटाने दो मुझे। वो पुलिस आई है, चलो हमारे पास कोई डेड बॉडीज तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना भाई अगर बाय चांस कोई चोर आया है, उसने हमारे कस्टमर्स को मार दिया, तो ओवरऑल कस्टमर्स की भी डेड बॉडी हमें छुपानी होती है, वरना पुलिस आके हमसे $250 ले लेंगे। फिलहाल के लिए गाइस ये वाला रूम भी मैं सिंगल रूम बना रहा हूं, ठीक है? तो मैं ये सोच रहा हूं गाइस जो ऑड नंबर वाले रूम है ना, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, ये ऑड नंबर वाले जो रूम्स है ना गाइस, ये हमारे सिंगल बेड के रूम हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे डबल बेड हो जाएंगे, ठीक है? फर्स्ट सेकंड देखो ये डबल बेड है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बेड है, ठीक है? तो ये पिल्लू भी हटा लेते हैं यहाँ पर, सामान फिलहाल यहाँ पर रख देते हैं, बट ये बेड है ना हम लोग आगे जाकर रखेंगे। उससे पहले गाइस अभी है ना बात करते करते गाइस हमें ये सारी चीजें क्लीन करनी है, तो सारा बड़ा बड़ा सामान पहले ले लेते हैं सो दैट दिक्कत ना आए, ठीक है? ऑलराइट गाइस अभी इसको फेंकना है, वैसे प्रो बन चुका हूं मैं, अंदर चले जाती है अभी चीजें। फटाफट सारा का सारा ये सामान क्लियर करते हैं, एंड फिर हम लोग है ना गाइस प्लेसमेंट चालू करते हैं। उससे पहले हमारा जो कचरे का डब्बा है ना, उसके अंदर सारी चीजें जो आ सकती है वो भर देते हैं, ठीक है? हाँ, और क्या है, और कचरा भी है क्या कुछ? हाँ ये सारा छोटा मोटा कचरा है ना गाइस, इसके अंदर ही आ जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो इसको क्लीनिंग भी कर लेते हैं ये रूम को एक बार। भाई वो हमारी हेल्पर है ना, वो कितना क्लीन कर रही है मुझे वो देखना है यार, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी काम चोर ना हो यार वो। आ जाओ गाइस सारा सामान फेंक कर आते हैं यार, इतने दूर दूर है ना ये सामान। भाई ये क्या गाड़ी है ब्रो, What is this car? यार कितना सारा जबरदस्त गाड़ी लग रहा है ये वाला। भाई जैसे ही हमारे गाइस पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है ना, वैसे लोग और आते जा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर,
एंड इतनी इतनी प्यारी प्यारी गाड़ी लेकर आ रहे हैं कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। ठीक है, यहाँ से भी बड़े बड़े सामान ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा एक बॉक्स है भाई। और एक बार में हम लोग है ना गाइस पांच ही सामान पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो तीन चार और पांच मैंने पकड़ के रखे, इसको हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं यहाँ पर, और बाकी सारा सामान है ना गाइस छोटे वाले कचरे के डब्बे में आ जाएगा। तो है ना, हम लोग अभी सारा का सारा सामान है ना एक बार उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आएगा क्या, हाँ ये भी आएगा, सारा छोटा मोटा सामान उठा लेते हैं। और फिर ये क्या होता है ना, एक ये आपस में मिलकर देखो एक बड़ा बैग गिर जाता है। तो ये होता है कचरे का डब्बे का पूरा का वर्किंग है। ठीक है, ये वाला, और कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है क्या कोई छोटी मोटी चीजें और बची है क्या, नहीं बची है, ये वाले रूम में बची होगी शायद। चलो ये रूम बड़ा रूम है भाई, ये वाला मजे आ गए भाई। बड़े रूम सब आते हैं ना तब मजे आ जाते हैं गाइस। भाई कितना सारा छोटा मोटा सामान है यार ये वाले रूम में तो गाइस। चलो ऑल राइट गाइस, अभी है ना सारा का सारा बड़ा सामान हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। इस रूम में तो और कोई बड़ा सामान बचा नहीं है, इस रूम में तो पूरा क्लीन है। ठीक है, ये वाले रूम में काफी बड़ा सामान बचा है, चार और ये पांच। ठीक है भाई, अरे वाओ यार नाइस। थोड़ा सा है ना स्टार्टिंग में जब हम लोग गेम खेलना चालू करता ना तो थोड़े से हम लोग नूब टाइप थे, बट अभी गाइस हम लोग है ना इसके अंदर प्रो बन चुके हैं। और हम लोग भाई जो हम लोग ने टेक्नो भाई का रूम बनाया ना गाइस, अगर वो मैं दिखाऊंगा ना अभी फिलहाल हमारे अंदर तो खुल नहीं पा रहा है। ये वाला देखो, फिर फोर्थ वाला ही टेक्नो भाई का रूम है। चलो गाइस अभी सारी चीजें क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर। भाई क्या धड़ाधड़ बात करते करते हम लोग सारी चीजें क्लीन कर रहे हैं यार, मजे आ गए। ये एक क्लीन नहीं हो रहा, चलो ये बात बढ़िया चीज है भाई। ये बड़ा रूम है तो मतलब हम लोग बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। बाकी यार ये रूम भी हम लोग को क्लीन करना है, ये वाला रूम भी हम लोग क्लीन कर लेते हैं। वो वाला एक सामान रह गया, उसको हम लोग है ना डस्टबिन में भर लेंगे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ऑल राइट गाइस। इसके अलावा गाइस ये जो हम लोग ने रूम खोला था, ये थर्ड वाले रूम के अंदर गाइस अभी हमें ना गाइस सारी डेकोरेशन मंगवानी है और इसके अंदर डालनी है। टॉवल्स वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर है ना, ये मशीन चालू करना मैं भूल गया था, मशीन चालू कर देते हैं। इसके वाला टॉयलेट पेपर बहुत सारे हैं अभी है ना यार। एक हाउस कीपिंग के लिए यार एक मुझे अभी अपग्रेड करना पड़ेगा स्टाफ का, स्टाफ अपग्रेड नहीं करूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अब शांति से बैठ के ना गाइस हमें सिर्फ शॉपिंग करनी है और हमें बड़े बड़े ट्रक्स मंगवाने हैं सिर्फ। ठीक है, तो शांति से बैठ के शॉपिंग करते हैं, सारी बेस्ट चीजें मंगवा लेते हैं। ठीक है, कहता हूँ गाइस सिंगल बेड बनाना है ना हमें, एक बार चेक कर लेते हैं। रुको, एक बेड तो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये बेड हमें फिफ्थ वाले रूम में डालना है, तो ये बेड तो यहाँ पर आ जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइड में रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ वाला रूम भी बन गया ऐसा टाइप का। ठीक है, अब इसके अंदर का इंटीरियर वगैरह के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं हमें, बट देख सकते हैं हम लोग। चलो ये सारा सामान भी उठा ही लेते हैं ना। चलो भाई ये भी लग गया, ये भी लग गया और ये पिलो भी लग गया। चलो बेड का तो सीन सॉर्टेड हो गया है, सिंक वगैरह बहुत सारी चीजें मंगवानी है। तो गाइस अभी बैठ के शांति से एक एक करके हम लोग सारी चीजें मंगवाएंगे। एक फिलहाल नजर मार के आते हैं हमारे शॉप पे क्या चल रहा है, क्लीनिंग वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है। नाइस यार, अभी तक तो शॉप एकदम ही क्लीन लग रही है यार। और गैस स्टेशन में भी भाई गजब लेवल की मतलब लोग आने लगे हैं भाई। यहाँ पर भी देखो $50-50 जमा हो गए हमारे पास, लेट्स गो, नॉट बैड। ये हमने पूरा अपग्रेड कर दिया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई। इतनी ज्यादा चहल पहल भाई पहली बार देखी है मैंने गाइस हमारे यहाँ पर, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हम लोग अभी अपना शांति से काम करते हैं। ठीक है, सारी चीजें मंगवानी है, थोड़ी महंगी होगी बट वन थिंग एट अ टाइम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस हम लोग, मैं चाहता हूँ कि इक्विपमेंट्स मंगवाएं हम लोग। ठीक है, ये बेड वगैरह तो है हम लोग सबसे पहले ना गाइस, बेडशीट्स भी है, ब्लैंकेट्स भी है, थोड़ी बहुत है ना मुझे डेकोरेशन वाली चीजें मंगवानी है। ठीक है, पहले जो हमारा फिफ्थ नंबर का रूम है ना उसमें एक प्रीमियम सिंगल बेड लगाते हैं। ठीक है, देखो ये वाला, मैं तो कहता हूँ ये वाले खरीद सकते हैं हम लोग यार, हर एक में चेंज कर देंगे हम लोग। मतलब हमारे पास तीन सिंगल बेड के रूम है, तीनों के तीनों है ना सिंगल बेड, हम लोग ये प्रीमियम वाले डाल देंगे सोफा। ठीक है, बेडशीट में गाइस कोई बोनसेस नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्लैंकेट में भी कोई बोनस मिलते हैं, ओके ब्लैंकेट में भी हमें बोनसेस मिल रहे हैं, बट ये ब्लैक रेड और ये ब्लैक और रेड ही बहुत मुझे पसंद आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग मंगवा लेते हैं ज्यादा। ठीक है, चार चार मंगवा लिए हम लोगों ने। पिलो के भी हमें गाइस बोनसेस मिलते हैं, ये हम लोग है ना, मैं सोच रहा हूँ ये ब्लैक पिलो ही रखते हैं फिलहाल के लिए। एंड ओके, ये वाला ब्लैक पिलो में सबसे ज्यादा बोनस मिल रहा है ना, ये भी रख लेते हैं। चलो डोर की बात करें तो गाइस सबसे बेस्ट मतलब बोनस वाली चीजें ही मंगवानी है हमें और कुछ नहीं है ना। एक्स्ट्रा डोर्स वगैरह मंगवा लेते हैं, थोड़े बहुत अलग अलग कलर्स के भी मंगवा लेते हैं, सो दैट एटलीस्ट थोड़े डोर्स अलग अलग लगे हमारे पास। सारे डोर्स मंगवा लिए अभी तक मैंने। ठीक है, सीलिंग लैम्प की बात करें तो भाई जितनी ज्यादा लाइट उतना कम है भाई, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग के लिए, सिंपल सी फंडा है भाई मेरा तो, जितनी ज्यादा लाइट उतना अच्छा। तीन तीन लाइट मंगवा लेते हैं। हालांकि गाइस मुझे लग रहा है कि अभी है ना बड़ी कार्ट लगानी पड़ेगी, बड़े ट्रक में क्या क्या चीजें आ रही है देखो, इतने में ऑलरेडी खत्म हो गए हमारा भाई। ये तो हम लोग अभी तक कहाँ पहुंचे थे, हम लोग सिंक तक पहुंचे थे। ओके ठीक है, नहीं बाथटब तक पहुंचे थे, हम लोगों ने लाइट मंगवा ली थी। एक बाथटब मंगवा लेते हैं बड़े वाले सारे, देखो ये छः बोनसेस देते हैं। एक ये मंगवा लेते हैं बट फुल हो गया है हमारा, ये नहीं मंगवा पाएंगे। ठीक है गाइस, फिलहाल के लिए इतनी सारी चीज़ें ना फास्ट में मंगवा लेते हैं, फटाफट आ जाए, पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, बस खाली वही कि चीज़ें फटाफट आ जाए। ठीक है भाई, यार बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, मुझे तो मज़ा आ गया देखकर भाई। तीन यहाँ पर लोग अपग्रेड आ गए हैं यहाँ पर भाई। एक काम करना पड़ेगा मुझे है ना, फटाक से ना एक अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड करते हैं गाइस आ जाओ। शॉप जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं स्टाफ रूम है ना, ये हमें अपग्रेड करना चाहिए, मैक्स अपग्रेड कर दिया। ओह भाई कितना ज्यादा था ये, हेलो भाई मेरे पास सिर्फ $70 बचे हुए हैं अब।
चलो थोड़े बहुत पैसे आ गए एड्स वगैरह के थ्रू। ओके एक और स्लॉट है यहाँ पर हमारे पास, नाइस $54 देता ये, बहुत बढ़िया भाई आ जाओ, इसको भी लगा देते हैं हम लोग। और एक तो ऐड है ना गाइस अपडेट होते रहती है तो हमें ना इतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ इसको गाइस है ना यहीं लगा देते हैं गाइस, मस्त लगेगा गाइस, देखते हैं गाइस। पहले तो फिलहाल ये यहाँ पर ओके है क्या उनको, यस डन है, चलो बढ़िया भाई। पैसे की कमी हो गई यार, पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? चलो तुम्हारे पास से पैसे थोड़े ले लिए हमने और आगे से थोड़े पैसे ले ले। ऑलराइट गाइस इसके पास भी पैसे आ गए हैं भाई, $450 यार, एटलीस्ट ये लोग हेल्प कर रहे हैं हमारी। बट गाइस एक बार है ना मुझे बैठ के ना सारी चीजें ऑर्डर करनी पड़ेगी और शॉप बंद करके करनी पड़ेगी, ये मे बी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कर सकते हैं जहां पर हम लोग शॉप ही पूरा फोकस करें। तो फिलहाल तो डिलीवरी आ चुकी है हमारी बॉयज, तब तो थोड़े बहुत पैसे भी जमा होने चालू हो जाएंगे। $1,000 तो हमारे खाली दो चीजें कलेक्ट करने पे आ गए भाई। ऑल राइट भाई बड़े बड़े डोर आ चुके हैं हमारे पास। मैं चाहता हूँ गाइस एक बंदा हायर करें जो वेयरहाउस संभाल पाए, ठीक है। वेयरहाउस में लोडिंग अनलोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी उसको, रुको। मैनेजमेंट प्राइस स्टाफ हायरिंग, अभी एक बंदा है ना मस्कुलर वाला बंदा चाहिए, रायन जैसा भाई, रायन को हम लोग है ना हायर कर लिए हैं, इसको हम लोग है ना वेयरहाउस में लगा देंगे, ठीक है। अनलॉक डिलीवरी स्टॉक प्रोडक्ट डन, ये करनी है तुझे चीजें, बढ़िया। चार हमारे पास स्टाफ हो चुके हैं गाइस, अब हम और कितने स्टाफ बाय कर सकते, कितने स्टाफ हम लोग और कर सकते हैं भाई, कितनी सारी पेस्ट्रीज खा रहे हैं यार लोग, चलो बढ़िया बात है गाइस, अच्छी बात है। ऑल राइट ये बंदा गाइस क्या कर रहा है मुझे देखना है गाइस यहाँ पर, अरे ये एक 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 कर रहा है, कब कर पाएगा भाई ये तो। यार एक काम करना पड़ेगा मुझे, वेयरहाउस के लिए भी चीजें ऑर्डर करनी पड़ेगी यार, और यार ये एक 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 सामान उठा रहा है, कब कर पाएगा भाई ये, एक और लगाना पड़ेगा लग रहा है मुझे तो। आ जाओ गाइस एक और लगा देते हैं मैनेजमेंट, एक काम करते हैं सैमी को लगते हैं भाई, आ जाओ सैमी तू भी वेयरहाउस में ही काम कर ले भाई, चल जल्दी स्टार्ट कर। ये अनलोड करेगा और ये स्टॉक करेगा, ऐसा कुछ करें क्या, या फिर दोनों करने दो यार, दोनों को करने दो भाई, इतना ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा भाई मुझे, ठीक है भाई कर देते हैं सभी को पे, पैसे कमी हो जाएगी भाई मेरे पास तो। चलो ठीक है ये लोग भी कमा रहे हैं भाई, नहीं गाइस गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है गाइस। चलो दोनों मिलकर एटलीस्ट अनलॉक तो कर रहे हैं फटाफट, ये अच्छी बात है। तब तक एक काम करते हैं गाइस, एक छोटी सी है ना वैन मंगवा के ना उसमें बहुत सारा ना खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, ठीक है। ये देखो ये सारा खाने पीने का सामान है। डिस्प्लेस में भी हमें गाइस बहुत अच्छी अच्छी डिस्प्लेस अब लेनी पड़ेगी, बेकरी काउंटर की जरूरत नहीं है हमें, हमें सिगरेट शेल्फ की भी जरूरत नहीं है, गिफ्ट शेल्फ रख सकते हैं हम लोग, कार एक रख सकते हैं, एक बड़े से यार ये इसकी जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ ये बेस्ट है गाइस, ये या फिर ये दोनों बेस्ट है, ठीक है। चिप्स का स्टैंड है ये, चलो ठीक है ये भी एक दो एक ले लेते हैं। बट यार मैं ये कह रहा हूँ गाइस मेन चीज क्या है ना, इनको लेने की जरूरत नहीं है, मेन तो हमें ये कि हमें ना यार ये सामान आएगा नहीं यार, ये कार वाला इसमें अगर ट्रक ही मंगवाना पड़ेगा, और इतने पैसे भी नहीं अभी मेरे पास भाई। रुको गाइस एक काम करते हैं, थोड़ा सा है ना मैं ग्राइंड करता हूँ है ना, ये सारी चीजें इन लोग को है ना देता हूँ, थोड़ा पूरा स्टोर वोर खाली करता हूँ। यहाँ से भी देखो गाइस अभी 92 ही कमा पाए हम लोग, धीरे धीरे ना लोग आने दो, थोड़ा मैं काम करता हूँ और आपको थोड़ा पैसे कमा के मिलता हूँ। लुक एट दिस कार ब्रो, लुक एट दिस कार यार, लिटरली लैम्बोर्गिनी हरिकेन जैसी लग रही है ये भाई, कितने लोग आने लगे हैं गाइस। कोई बात नहीं गाइस, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ लिटरली 10-15 मिनट में मैं ऐसे कमा लूंगा पैसे भाई, एक दो घंटा ग्राइंड करना पड़ेगा तब जाकर ये पैसे ठीक हो पाएंगे गाइस, ठीक है। चलो गाइस अभी फिलहाल हमने रूम तो क्लीन कर लिया है सारी, तो मतलब बेसिक क्लीन हो चुका है, थोड़े पैसे कमाता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है। ऑलराइट गाइस एक काम करते हैं भाई, ये रूम वाला है ना जितना है ना हमारे पास सामान आया ना उतना लगाना चालू कर देते हैं, ठीक है। टॉयलेट पेपर सिंक आ गया है, लाइट्स आ गई है, तो लाइट्स वगैरह लगाना चालू करते हैं। मुझे ना इस मोमेंट पे गाइस है ना रूम को इतना ज्यादा हैवी बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू क्विकली सेटअप द रूम एंड हम लोग है ना चालू करें यार सेलिंग, ठीक है। और ये कुत्ता भूखने लगता है भाई, डर लगता है भाई मुझे तो अचानक से, ठीक है। चलो ये भी हो गया, बेड तो नहीं जरूरत है हमें, डोर आ गया गाइस हमारे पास, एक ब्लैक डोर लगा देते हैं यहाँ पर, और बेडशीट्स की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, पिलोज आ चुके हैं, डोर ये वाला भी आ गया है, नाइस ये यहाँ लगा देते हैं हम लोग। इसके अलावा अभी यहाँ पर धीरे धीरे और भी वो लोग स्टॉक कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंक आ गया है, सिंक वैसे ये सिंगल बेड है तो डबल सिंक की जरूरत नहीं है। टॉवल्स की भी यार, टॉवल्स हमें एक्स्ट्रा मंगवाने पड़ेंगे गाइस, पता है आप लोग को टॉवल्स एक्स्ट्रा मंगवाने पड़ेंगे हमें यार। हालांकि देखा जाए तो गाइस अभी हमें बहुत सारी चीजें और भी मंगवानी है और हमारे पास पैसे की बहुत कमी है, ठीक है। काम करते हैं गाइस फटाफट है ना, हमारे चेकआउट क्लियर करते हैं पहले, रुको। ऑलराइट ये 2 मिनट में होने वाला है, मैं कह रहा हूँ गाइस है ना फटाफट से ना और 4-5 रूम्स को है ना मैं फटाफट ये देते जाता हूँ रेंट पे एंड फिर पैसे कमा के आप लोगों से वापस मिलता हूँ इन फ्यू सेकंड्स। ऑलराइट गाइस मैंने गाइस सारी की सारी रूम को भाई रेंट पे लगा दे गया, सारे कस्टमर्स को यहाँ पर हम लोग खुश रखते गए, क्लीनिंग विनिंग करते गए भाई, ये लोग सारा का सारा पूरा ट्रक इन्होंने खाली कर दिया, सोचो कितना टाइम हो गया, इन्होंने पूरा का पूरा ट्रक खाली कर दिया उन्होंने वेयरहाउस के अंदर, और भी हम लोग सामान मंगवा रहे हैं फटाफट, और हमारे पास अभी $16,000 आ चुके हैं।
तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सारा का सारा है ना सामान वापस मंगवाते हैं। रुको यहाँ से और भी हमें चीजें मंगवानी थी, ठीक है। हम लोग कहाँ पहुंचे थे, बाथटब में पहुंचे थे ना। नहीं, इसके अंदर क्या क्या चीजें भरी हुई है, मैंने शेल्फ्स और गिफ्ट्स भरे हुए हैं ना। फिलहाल एक चीज कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले में जाकर है ना शेल्फ्स मंगवा लेते हैं, ये बड़े वाले दो मंगवा लेते हैं, ये सारी चीजें तो ठीक है, ये भी एक मंगवा लेते हैं। बेकरी का बड़ा काउंटर हमने ले लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, न्यूज पेपर की जरूरत नहीं है, एक मंगवा लेते हैं चलो ना न्यूज पेपर बाई चांस। ये हैट्स और ग्लासेस के लिए भी एक एक स्टैंड मंगवा लेते हैं, ठीक है। हम लोग फ्रिजेस की बात करें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्रिज है, तो मुझे अभी तक आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आई है, बट बाद में देखेंगे इस चीज को। वेयर हाउस के लिए भाई, वेयर हाउस के लिए जितना हो सके उतना स्टॉक चाहिए भाई मुझे। वेंडिंग मशीन गाइस बहुत हैवी लेवल का प्रॉफिट देती है वैसे, बट वेंडिंग मशीन के अंदर डालने के लिए भी हमें सामान होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। देखो बड़ा वाला ट्रक, अरे बड़ा वाला ट्रक भाई, बड़ा वाला ट्रक भी फुल हो गया यार। यार एक काम करना पड़ेगा, इनमें से एक सामान निकालना पड़ेगा हमें भाई। अब जाके बड़ा वाला ट्रक रेडी हुआ है यार, ठीक है। चलो गाइस थोड़ा थोड़ा सामान मंगवाते हैं। हम लोग ने तीन चीज निकाल दी है जो कि वेयर हाउस में वो जो सारे कार्ट्स रहते हैं ना वो हटा दिए मैंने, ठीक है। उसके अलावा है ना अभी छोटा अभी स्नैक्स वाली सारी चीजें है ना फिल करने के लिए मंगवाते हैं, ठीक है। तीन तीन मंगवा लेंगे हम सारी चीजें, इतना ज्यादा मतलब अभी मुझको ना शॉप को सॉर्ट करना है ना गाइस, कि मुझे ना अभी दो तीन एपिसोड तक ना दिक्कत ही ना आए। कार्ट को मुझे ना वैन लेने दो नॉर्मल सी। हाँ बढ़िया। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हम लोग ने स्नैक्स बहुत सारे मंगवा लिए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की भी हमें मंगवानी है बहुत सारी। इतना सारा मंगवा रहे ना गाइस, मुझे तो लग रहा है कि एक और बड़ा फ्रिज लगाना पड़ेगा मुझे तो गाइस, ठीक है भाई। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हम लोग ने मंगवा लिए, ठीक है, ये भी हम लोग फास्ट ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। नाउ मोर गाइज, मोर मोर सामान की बहुत जरूरत है हमें गाइज। सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी फिलहाल साइड में रखते हैं, पेस्ट्रीज हमें मंगवानी है भाई बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि ये कितनी भी हम लोग लगाए ना पेस्ट्रीज गाइस वो बेकरी का स्टॉल भरता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ चार चार मंगवाते हैं इस बार सारी चीजें। सोचो भाई पूरा का पूरा बेकरी का वो शेल्फ हमारा भर जाएगा ना, मजे आ जाएंगे भाई। चार चार चीजें मंगवा ली हम लोग ने सारी, चार ये भी चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार भाई। ओ माई गॉड भाई, हमारा ये स्मॉल वैन भी होने आया भाई पूरा। भाई तीनों के तीनों ट्रक हमारे आने वाले हैं अभी किसी भी मूवमेंट पर। भाई ये स्टॉक वाले क्या कर रहे हैं यार, आए क्यों नहीं स्टॉकिंग करने को। अरे आओ भाई, क्या हो गया, तुम लोग अटक क्यों गए। पैसे दे देते हैं भाई इनको, कहाँ गए ये लोग। अरे ये लोग नीचे क्यों रख रहे हैं अभी सारा सामान। हे भगवान, कहाँ गए दोनों के दोनों, ये लड़की कौन है। अरे ये दोनों जो काम करने वाले वो कहाँ चले गए यार। ऑलरेडी क्लीनिंग वाली लड़की तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। ये लोग अनडॉकिंग नहीं कर रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने ना गाइस वेयर हाउस के लिए शेल्फ नहीं मंगवाया ना इसीलिए। यार मुझे ही करना पड़ेगा लग रहा है, हम ही कर देते हैं गाइस कोई बात नहीं। ओ ये क्या है, अच्छा ये शॉप का ही कुछ तो सामान है, ठीक है। ये हैट वगैरह भी हमने मंगवा लिए, तो मतलब हमारा शॉप तो हम लोग ने ना मैक्स तरीके से भर दिया है। इसको हटा दे यहाँ पर यार, वेयर हाउस के लिए ना बड़ी बड़ी वो मंगवानी है मुझे। रुको अभी इसका क्या चेकआउट है क्या। थैंक यू सर, थैंक यू। वेयर हाउस बड़ा करना पड़ेगा गाइस, मैं कह रहा हूँ गाइस इतना खर्चा हो गया ना भाई आज के इस एपिसोड में, मैं आपको क्या ही बताऊँ भाई, ठीक है। वेयर हाउस हम लोग ने और बड़ा कर दिया गाइस, हमें है ना अभी वेयर हाउस के लिए सबसे पहले तो है ना गाइस चीजें मंगवानी पड़ेगी गाइस। मैं कह रहा हूँ वेयर हाउस के शेल्फ्स बहुत कम है हमारे पास। बड़ा वाला कार्ट, अरे एम्प्टी कर दिया मैंने गलती से यार। यार ये क्या बात है यार, ट्रक नहीं ले पा रहा इतना बड़ा सामान। सोचो ओ नाइस नाइस नाइस, अब ये दोनों खड़े हुए हैं, चलो बढ़िया, ये लोग सामान उतार रहे हैं एटलीस्ट। अब मैं कह रहा हूँ गाइस एक चीज मुझे देखनी है कि क्या हम लोग स्टॉकिंग के लिए भी एक लड़का रख सकते हैं क्या, मुझे चेक करना है। सेल एम्प्टी बॉक्सेस, स्टॉक प्रोडक्शन टैग, शेल्फ्स ओनली, ऑटो पेमेंट कर देते हैं गाइस इनका। गाइस मुझे लग रहा है शॉप पे हमें खुद ही सब कुछ प्लेस करना पड़ेगा, सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। बट अभी गाइस हम लोग को सबसे पहले ना गाइस ये वाला जो रूम अभी हमारा खाली हुआ है ना इसको हमें सजाना है, ठीक है। चलो भाई इसको सबसे पहले तो सजाने से पहले है ना इसको क्लीन करना पड़ेगा हमें। भाई इस एपिसोड में तो हम लोग निकालने ही वाले हैं तगड़ा प्रॉफिट, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। बट अगले एपिसोड में तो और तगड़ा प्रॉफिट निकालने वाले, मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ, गेट रेडी गाइस। भाई शॉप पे कस्टमर आते जा रहे हैं, फ्यूल पे बढ़े जा रहे हैं यार, ठीक है। यहाँ पर अभी ना गाइस बहुत सारी हमें टाइल्स लेकर आनी पड़ेगी जो कि हम लोग को गाइस अर्जेंट तरीके से हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। सारी की सारी टाइल्स लगाते हैं, बाकी ये दोनों के दोनों गाइस बढ़िया मेहनत तो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। नाइस यार, बहुत बढ़िया बात है ये। बट ये सारी चीजें यहाँ पर अंदर डाल देंगे अगर, तो मैं वहां अंदर कैसे लेके जाऊंगा। नहीं भाई मत करो तुम लोग यार, इधर मैं पूरे वेयर हाउस में कहाँ ढूंढूंगा यार खाने पीने की जगह ब्रो। भाई बहुत महंगा पड़ गया ये सब कुछ अपग्रेड करना, मैं तो कह रहा हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो सारी की सारी, ये सारी चीजें हमें मंगवाने में भी इतना टाइम लगेगा ना गाइस, सारी की सारी चीजें सेटअप करने में इतना टाइम लगेगा गाइस, ठीक है। काम करते हैं गाइस, है ना, मैं आप लोग के लिए ना फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ये सारी चीजें, है ना। अरे अरे लोग मार तोड़ के निकाल रहे हैं भाई इसके अंदर से सामान, बोलो। अरे 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 ये क्या हो गया, अच्छा सैलरीज कटी सभी की, मैं डर गया भाई एक सेकंड के लिए क्या हो गया। बट अभी एक अच्छी बात यह है कि कैसे ना ये सारे कस्टमर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई हमें यही चाहिए करके। हाँ ये देखो फटाफट आ गई, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर शेल्फ पूरा खाली होते जा रहा है गाइस धीरे धीरे।
यार नहीं यार, ये शेल्फ वाला आज नहीं कर सकते गाइस। ये शेल्फ में अगर मैं घुस गया ना गाइस शॉपिंग करने में भाई बहुत टाइम चले जाएगा, मैं कह रहा हूँ आप लोग को। और ये लोगों ने भाई पूरा का पूरा मेरा बिगाड़ के रख दिया है भाई, सच बता रहा हूँ यार। मुझे ना मार्क करने पड़ेंगे शेल्फ लग रहा है, वरना ये लोग है ना सारी चीजें कहीं भी रख दे रहे हैं। अब ये सारी चीजें तो मैंने है ना शॉप के अंदर लगाने के लिए मंगवाई है, करेक्ट। अभी आप सोचो कैसे सारी चीजें ऐसे अपने हिसाब से रख देंगे वेयरहाउस के अंदर, मैं कहाँ ढूंढते बैठूंगा यार यहाँ पर। एक तो यार इतना कचरा पट्टी कर दिया यार मैंने इधर। एक काम करता हूँ गाइस रुको, इधर लगाने लगता हूँ शॉप में इसको, रुको। हाँ ये क्या है, ये तो मुझे पता भी नहीं है क्या है ये। Have a nice day. अरे ये इसके ऊपर क्या लगा है यार, फनी लग रहा है बहुत देखने में। ठीक है देखो, अब है ना थोड़ी सी स्पेस रख के हम लोग है ना ये यहाँ पर लगा सकते हैं। थोड़ी सी अपग्रेड हो रहा है भाई, हमारा शॉप अपग्रेड हो रहा है, लेट्स गो। ऑलराइट, ये शेल्फ हम लोग है ना वापस यहाँ पर लगा सकते हैं, ये हुई ना बात। ठीक है बाकी सारे ना आराम से करेंगे भाई। एक मिनट ना, शॉप के लिए गाइस मुझे अलग टाइम लगेगा लग रहा है यार देखने में। गाइस ये शॉप के लिए मैंने बेकार में एक्स्ट्रा सामान मंगवा लिया गाइस, अभी इसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ यार। मैं इसीलिए इसको हेल्प कर रहा हूँ गाइस, सो दैट है ना मैं अपना यहाँ पर वेयरहाउस के लिए सामान मंगवा पाऊँ यार। ये हमारी ये डिलीवरी आए भाई, ये इसकी वजह से देखो भाई सारा अटका हुआ है, बाप रे। चल भाई जल्दी करो, डिलीवरीज तो आ गई है बट इतना सामान वहाँ पर भरा हुआ है ना, शांति है भाई यहाँ पर, अच्छी बात है। चलो हाँ ठीक है, हम लोग वेयरहाउस पे जा रहे थे वापस। यार मैं आधी चीजें भूल जा रहा हूँ यार वेयरहाउस के अंदर। मैं वेयरहाउस में आ गया ना गाइस, बहुत सारा है ना ये मंगवाना है मार्बल टाइप्स। क्या है ये, खाली चीजें यार, खाली चीजें बेच डालो भाई। कहीं डोर है, कहीं क्या चीजें रखी है मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है अब तो। एक दो तीन चार, और कहीं टाइल्स है क्या, ये रही एक टाइल, पांच। ठीक है इतनी चीजों को लेके जाते हैं पहले। मैंने सोचा था उतना इजी नहीं है यार ये सारी चीजें करना। ये कहाँ जाएगी, ओके ये नीचे जाएगी। तो ये बाथरूम की टाइल्स है ना यहीं पर लगाते हैं नीचे। ये कहाँ जाएगी, ये वॉल्स जाएंगी टाइप्स में। तो ये वाला वॉल है ना हम लोग रेड रखते हैं। एक तो आ भी नहीं रही है भाई, सारी आधी आधी चीजें हैं यहाँ पर। 100 यहाँ पर लगा देते हैं, ये सारी की सारी 100 ऊपर आ जाएगी, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, सीलिंग यहाँ पर लग गई है। धीरे धीरे करके ना गाइस हमें सारा टाइल्स मंगाना पड़ेगा गाइस, वरना दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ऑलराइट गाइस। अच्छा ये हमारे जो ये जो काम करते हैं इन दोनों को है ना ये खोल के देना पड़ता है भाई, ऐसे तब जाके ये लोग खोलते हैं भाई। ये लोग खुद ही मैंने उठा लिया भाई सारी चीजें। चलो आज वेयरहाउस में इनको ही हेल्प होगी गाइस अगर मैंने लगा दिया ना। गाइज ये सारी चीजें करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों हो गया यार अचानक से? और ये जो लोगों को मैं हायर कर रहा हूँ ये मेरे लिए काम ही नहीं कर रहे हैं यार, व्हाट इज बिहेवियर। इतने सारे जब मैं स्टोर भरूंगा ना गाइज अपना मैं शॉप, भाई गजब लेवल का मजा आने वाला है यहाँ पर। ठीक है अब गाइज भीड़ हो रही है शॉप पे। ठीक है अब है ना इसको डिलीवरी ट्रक को मुझे बाय करना पड़ेगा। चलो बाय बाय बाय, और भी सामान आने दो भाई, सारा सामान आने दो अभी धीरे धीरे अंदर। देखने दो भाई मुझे क्या चीजें क्या लगाई है मैंने। ये देखो यहाँ पर इतना सारा सामान है, ये सब ले लेते हैं। ठीक है रूम के लिए हम लोग टाइल लेके जा रहे हैं गाइस, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है यार ये होटल मैनेजमेंट सिम्युलेटर भाई, इतना डिस्ट्रैक्टिंग मैंने गेम आज तक नहीं खेला कभी ब्रो। ये क्या है, ये वॉल्स है ना। ठीक है तो ये वाली पूरी वॉल रेड करना है मुझे, और ये वाली रेड करना है। बाकी हम लोग है ना ये वाली पूरी वॉल है ना ये ऐसी रखेंगे, ब्लैक वाली अच्छी लगेगी ये भी वॉल। और ये भी एक वॉल है, मैं तो कह रहा हूँ भाई सारी अलग अलग वॉल कर देते हैं और खत्म करते हैं ना काम। अच्छा यहाँ कर बाथरूम का वॉल कर देते हैं ये। आए हाय यार ये बाथरूम में अच्छा लग रहा है यार देखा जाए तो, है ना। ऑलराइट गाइस अब वेयरहाउस के अंदर क्या क्या आ चुका है सारी चीजें मैं चेक कर लेते हैं। ये जो बेड है ना ये नॉर्मल सा बेड हटा के ना गाइस अभी अच्छे वाले बेड लगाना चालू कर देते हैं। ठीक है ये नॉर्मल सा बेड हटा देते हैं, रुको इसके ऊपर से सारी चीजें हटा के इसके ऊपर डालना चालू कर देते हैं। ठीक है चलो इसको उठा लिया हमने, थोड़ा सा है ना हम लोग इधर आगे लगा देते हैं, वहां पर टाइल्स वगैरह लगाने में दिक्कत हो रही है मुझे। चलो डन है ये बात। ऑलराइट गाइस अभी है ना गाइस एक है ना हम लोग शिपमेंट करवाएंगे, ये बेड भी हटाने दो मुझे भाई, ये बेड भी ओके ओके सा लग रहा है। अभी है ना हम लोग ने सारे डबल बेड मंगवाए ना ये इसी चीज के लिए मंगवाए गाइस हम लोगों ने। देखो ये ऐसे लगेगा अब कैसा लग रहा है गाइस देखो एक बार, ये लग रही ना चीज बढ़िया। इसके अंदर से ब्लैंकेट वगैरह हटा के इसके ऊपर लगा देते हैं, ये बात भाई इसको कहते हैं बेड। चलो भाई पिल्लो भी यहाँ पर आ जाओ एक बार। अच्छी गाइस ये जो सारे लोग है ना ये पिल्लो गंदा नहीं करते गाइस, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बेड नहीं मंगवाया क्या मैंने, अच्छा हाँ एक और मंगवाया ना, लेट्स गो। इसको मैंने दो पिलोज दिए हैं बोलो, ये तो रूम ही पूरा व्हाइट कर दिया भाई मैंने, चमक रहा है पूरा का पूरा रूम व्हाइट एकदम बोलो। ठीक है यहाँ पर अभी बेडशीट वगैरह है नहीं तो ये तो शायद हमने धोने में डाली होगी ना। हाँ ये बात, टॉवल्स भी डाले थे, टॉवल्स वगैरह यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है तो हमारे सारे ऑड नंबर के रूम्स है ना गाइस वो है ना गाइस हो चुके हैं हमारे एकदम सिंगल बेड वाले रूम्स। ठीक है ओ नाइस ये कस्टमर निकला है हमारा, बहुत बढ़िया। ठीक है डिलीवरी ले लेते हैं फिलहाल, डिलीवरी ले लेते हैं हमारे पास। यार इनको है ना ये दरवाजा खोल के देना पड़ता है वरना ये लोग डिलीवरी ले नहीं पाते सही से तरीके से। भाई हम लोग ने भाई सारी हमारी पेस्ट्रीज वगैरह आ चुकी है गाइस, इसको तुरंत लगा ही देते हैं गाइस। रुको आए है ना हाथ में तो लगा ही देते हैं। ठीक है ये देखो ये देखो ये देखो इतनी सारी चीजें जा रही है यार। अभी देखो ग्राउंड फ्लोर ही भरने में गाइस आप देख रहे हैं इतना टाइम लगेगा ना, खाली ग्राउंड फ्लोर भरने में इतना लग जाएगा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई कितना सारा सामान एडजस्ट हो जाता है यार इसके अंदर। अभी दो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे काम, ये वापस अटक गए कहीं पे।
अटक है, नहीं नहीं आ रहे आ रहे यार। मैं कह रहा हूँ गाइस, ये सारी चीज़ें मैं मंगवा तो लिया हूँ मैंने, बट ये गड़बड़ कर दी है मैंने, ये सारी चीज़ें मंगवा के मैं आपको कह रहा हूँ। अब देखो चीज़ ये है गाइस, इसको मैंने फिनिश डिलीवरी तो कर दी है, हमारे ऑफिस पे भी एक कस्टमर आ गए हैं चेकआउट। ओ भाई इसने बढ़िया लिया है गाइस, ये रूम हमारा पूरा यूज किया इन्होंने अच्छे से। ऑलराइट गाइस, अब हमारे सातों के सातों रूम्स ये रेंटेड है खाली, इसके अलावा हमारे सातों के सातों रूम रेडी है अभी, है ना गाइस। हमें एक बार फाइनल चेक करना है, ये बेड हमने अच्छे से लगा दिया है, हमारा ये रूम अभी खाली रेंटेड है। बाकी टेक्नो भाई का रूम भी देखो गाइस निकल गया है, यहाँ पर रेडी हो चुका है भाई। बेड इसने गंदा ही नहीं किया यार बिल्कुल भी, हाउसकीपिंग भी देखो अच्छे तरीके से हो गई है। ये सारी चीजें यार मेरे को है ना बहुत टाइम लगेगा ये सारी चीजें करने में। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ गाइस कि मैं ना क्यों डिलीवरी क्लियर कर रहा था, क्योंकि अभी है ना मुझे बिल्ड पीसेस मंगवाने हैं, ठीक है। सो मैं तो कहता हूँ गाइस ना एक रूम है ना अलग अलग कलर के कर लेते हैं, ज्यादा सोचते नहीं यार एक चीजों के बारे में, ज्यादा सोचते नहीं है। मतलब देखो 3-4-5 मंगवा लिए, ये तो 500 में तो आएगा सारा रूम कलर हो जाएगा। 5 ये मंगवा लिए हमने, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑड कलर लग रहा है, ये 5 हमने मंगवा लिए, ठीक है। ये बाथरूम के लिए चलो बाद में कर लेंगे। 5 ये मंगवा लिए, वो वाले कहाँ गए, हाँ ये वाले 5 ये मंगवा लिए, ये भी 5 मंगवा लेते हैं, ये बहुत फेवरेट कलर है लोगों का, ये भी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा और तो फिलहाल के लिए इतना इनफ हो जाएगा वॉल्स में। फ्लोरिंग की बात करें तो मैं तो कहता हूँ हर एक जगह पर है ना ये एक ही फ्लोरिंग करने का हमें कोई मतलब नहीं है, इसके आगे करने का 10 कर देते हैं ये, और इसको है ना बड़े वैन में मंगवाते हैं और एक ही साथ में सारी चीजें मंगवा लेंगे, ठीक है। बिल्ड पीसेस फ्लोरिंग का हम लोग ने एक ही मंगवा ली, क्योंकि अलग 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 के कोई मतलब नहीं है, हालांकि लगा सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं 1-2-3-4 ले लेते हैं, ठीक है। हर एक टाइप के ना हम लोग 4-4 फ्लोरिंग मंगवा रहे हैं, ठीक है, और अगर मजा आना चाहिए कहीं सारा सामान करने में, इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ। ये क्या है, सीलिंग है गाइस, सीलिंग तो गाइस एक काइंड ऑफ है ना हमें सिंपल सी रखनी है गाइस, ठीक है। 4-4 मंगवा लेते हैं, ठीक है, हम लोग अलग अलग रूम में लगाने का ट्राई करेंगे। सीलिंग थोड़ी सी व्हाइट भी मंगवा लेते हैं, ये बाय डिफॉल्ट व्हाइट बहुत ही अच्छा लगता है। सीलिंग मंगवा लिए, पेंट की अभी फिलहाल आई डोंट थिंक जरूरत है हमें, क्योंकि हम लोग हर जगह टाइल्स ही लगाने वाले हैं, ठीक है। डेकोरेशन अभी हम लोग आए ही हैं तो मंगवा ही लेते हैं यार, ये सारे है ना बोनस 0 देती है तो इसकी मतलब नहीं है, ये सारे देखो 1-1 बोनस देती है, तो जितनी ज्यादा लगाएंगे ना डेकोरेशन उतनी अच्छी है। तो हमें ना वॉशिंग मशीन मंगवाने हैं गाइस, हम लोग ने 3 रूम नए खरीदे हैं तो 3 बड़े वॉशिंग मशीन लगाएंगे हम लोग, 4 ट्रैश कैन लेंगे, सो दैट ना रूम के अंदर कचरा नहीं होता गाइस। अगर हम लोग ये बड़े वाले ट्रैश कैन लगा देते ना तो रूम के अंदर वो लोग कचरा करते ही नहीं है, पता है, अच्छी बात ये है। ऑलराइट, अब बारी आती है हमारी डिस्प्लेस की, तो ये नहीं चाहिए, इक्विपमेंट्स की अभी हमें जरूरत तो होगी क्योंकि हम लोग सिंक पे रुक गए थे, तो एक काम करते हैं गाइस मंगवा ही लेते हैं, ठीक है। बाथटब हम लोग ने मंगवाया था आई थिंक सो, फिर डोर सीलिंग लैंप से वापस सीलिंग लैंप मंगवाया था आई नो, बाथरूम नहीं मंगवाया था हम लोगों ने, तो मैं कह रहा हूँ 6 बोनस वाले सारे बाथरूम मंगवा लेते हैं। 1-2 एक ही आ पा रहा है बाथरूम गाइस, ठीक है, एक बाथरूम आ पा रहा है। सिंक हम लोग डबल बेड वाला, डबल बेड के लिए 2 सिंक ले लेते हैं, ठीक है। टॉवल्स गाइस, टॉवल्स है ना गाइस मैं कह रहा हूँ ज्यादा मंगवाने पड़ेंगे, 6 टॉवल्स मंगवा लिए। टॉयलेट पेपर भाई, टॉयलेट और टॉयलेट पेपर, ये क्या 2-2 क्या मंगवा लिए मैंने, 3 ही रूम एक्स्ट्रा करें भाई, 3 हाँ हो गया डन। टॉयलेट पेपर गाइस ये देखो सबसे ज्यादा बोनस देता है, ये टेक्नो गेमर वाला जो ये कलर है ना, ये 10-10 नहीं, मैं तो 20-20 ही मंगवा लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बट ज्यादा हो जाएगा ये 7 मंगवाने गाइस हमें। चलो गाइस पूरा का पूरा कार्ट फुल हो गया है, ऑर्डर कर देते हैं इसको फास्ट वाला में, ठीक है। भाई क्या पैसे उड़ रहे हैं ब्रो, आज क्या ही पैसे उड़ रहे हैं ब्रो, ठीक है काम करते हैं, चेक करने तो मुझे क्या ये हम लोग सारे फेंक सकते हैं गाइस, क्योंकि छोटे मोटे बेड ना बोनस नहीं देते, तो मतलब नहीं है मुझे डालने के, क्या इसको मैं कार्ड ओ फेंक सकता हूँ ना, नहीं बढ़िया बढ़िया। इस रूम के लिए डेकोरेशन हमें बहुत सारा मंगवा लिया है, अब एक बार ट्राई करते हैं गाइस हमारे पास कुछ पड़ा है तो। इसके अंदर भी कैसे लाइट्स वाइट्स लगाएंगे ना जरा तो लोगों को और भी पैसा देंगे, समझ रहे हैं। डोर कौन से लगाए इसके अंदर मैंने, यार ये देखो बेकार सा डोर लगा दिया था इसके अंदर, ये हमारा पहला रूम था गाइस जो गेम ने सिखाया था हमें गेम खेलने के कैसे खेलते हैं वो, तो डोर अभी यहाँ पर भी हम लोग चेंज कर देते हैं। बाथरूम के अंदर तो ये डोर ही बहुत अच्छा लग रहा है, और एक डोर चाहिए हमें, ये वाला एक डोर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारी चीजें दी हैं तो हैं यार, एक हाउसकीपिंग का लगा ही देनी चाहिए मुझे लड़की लग रहा है, सारी चीजें वही कर देगी ना गाइस, सारी चीजें है ना, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग ने सारे रूम हम लोग आज ऑप्टिमाइज कर तो रहे हैं, तो हो भी रहे हैं सारे रूम ऑप्टिमाइज, बट यार नए रूम बना नहीं पा रहा हूं मैं यार, हमारी वो डिलीवरी आ गई होगी ना तो बेस्ट हो जाएगा। यस डिलीवरी आ चुकी है हमारी, बट यार ये लोग है ना जो, एक काम कर देगा इनको है ना हम लोग चेंज कर देते हैं, इनका काम है ना हम लोग रखते हैं मैनेजमेंट स्टाफ, ठीक है, जो वेयरहाउस में है ना गाइस इनको हम लोग है ना हाउसकीपिंग में रख देते हैं, ठीक है, और इसको भी हाउसकीपिंग पे ही रखना पड़ेगा, फिर इसको फायर कर देते हैं आज के लिए, देखते हैं गाइस देखते हैं क्या करते हैं, पहले तो ये लोग हाउसकीपिंग करने दो, देखते हैं गाइस हाउसकीपिंग करते हैं क्या ये लोग। ओ बाय 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 बाय, बढ़िया चीज है यार ये तो, हाउसकीपिंग का बाय डिफॉल्ट ये लोग सारी चीजें डाल देंगे क्या अंदर, इसके अंदर डाल दी क्या, ओ तेरी वॉश बेसिन के ऊपर ही लगा देता ये सारी चीजें, टॉयलेटरीज वगैरह। अच्छा तो मतलब हमें बस मंगवानी है भाई, मतलब वेयरहाउस फुल कर देना है हमें मंगवा के, इतने पैसे होने चाहिए हमारे पास। पहली बार मैं गाइस ये देख रहा हूँ, ठीक है यार ये डोर तो अच्छा है यार, ये डोर नहीं डालना नहीं चाहिए हमें, ये डोर यहाँ पर यूज कर लेते हैं हम लोग, बाकी दूसरा वाला डोर तो भाई एकदम रद्दी है, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से।
ऑल राइट गाइस, आ जाओ हमारी खोल भाई, इतना सारा पार्सल आ चुका है, बाप रे। ठीक है, टॉयलेट पेपर वगैरह बहुत सारी चीजें आई हैं यार। एक काम करते हैं, इनको वापस वहाँ हाउस कीपिंग से हटा के ना वेयर हाउस में डाल देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, और भी हायर करते हैं स्टाफ, बाप रे। दोनों को हायर कर लिया हम लोग ने, और दो एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, ये रेस्टिंग है, वेयर हाउस ये करती है और ये भी वेयर हाउस ही करेगी। भाई कितने स्टाफ हम लोग हायर कर पा रहे हैं यार, 10 स्टाफ हायर कर पा रहे हैं हम लोग। भाई हम लोग ने शायद 6 या 7 करे हैं हायर अभी तक। चलो ठीक है, सारी ये लड़कियां जो है ना, ये सारी चीजें ले रही है यहाँ से, अच्छी बात है यार ये। भाई आज का ये एपिसोड इतना बड़ा बन रहा है, बाप रे, मैंने सोचा था कि आधे घंटे में हम लोग खत्म कर देंगे यार, बट ठीक है गाइस, ये लोग को देखो कितने अच्छे तरीके से सारी चीजें ये लोग मैनेज कर रहे हैं, अच्छी बात है यार, ये अच्छी बात है। ये सारी चीजें भी अभी लगा ही देते हैं, हम भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं यार। ये तो फुल हो गया यार, यार ये जो मैंने मंगवा लिया ना गाइस, ये मुझे परेशान कर रहा है गाइस। इसको हम लोग एक काम करते हैं ना, उठा ही लेते हैं और लगा ही देते हैं, आ जाओ। ऑलराइट गाइस, इसको भी हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर लगा रहे हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें गाइस सारी चीज़ें। ये स्टोर भी बहुत छोटा सा लग रहा है मुझे तो, पता है अब ऐसा लगने लगा है, सारी चीज़ें मुझे छोटी छोटी लगने लगी है। ये क्या है ऊपर लगा हुआ है भाई, पैसों की कमी नहीं है भाई, देख रहे हो, $1,000 में ऐसे उठा ले रहा हूँ गाइस, ये देखो $1,000 गाइस, $1,000 सोचो। ठीक है, डिलीवरी आई है ना, हमें डिलीवरी देख रहे हैं गाइस, सारे लोग मिलकर दोनों कर तो रहे हैं सारा काम, बट हमें लग रहा है गाइस एक बड़ी वैन वापस मंगवानी पड़ेगी। यू आर बीइंग रॉब्ड, तेरी तो कौन है भाई, ये देखो इधर से रॉबिंग कर रहा है, इधर ही उड़ा दिया मैंने, बाहर आने से, अंदर आने से पहले ही उसको मैंने मार दिया। भाई आ जाओ, फटाफट ड्रम लेते हैं, एक एसिड लेते हैं और उसको भाई फटाफट जला देते हैं, वरना पुलिस आ जाएगी ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। रुको, ये यहाँ पर लगा दिया, ये अंदर डाल दिया। पुलिस को आने में कितना टाइम है, 12 मिनट है सिर्फ। भाई इसको उठा के हम लोग है ना डस्टबिन के पास रख देते हैं, तो चलते वरते है ना कभी भी इसको उठा के अंदर डाल देना है, सिर्फ इसको टाइम लगता है गाइस। देखो इसको अभी हम लोग नहीं डाल सकते अंदर, अंदर ही रख दिया है गाइस, बाई चांस अपने आप चले जाएगा वो। चलो 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 लड़कियां जल्दी काम करो, अभी एक ही लड़की काम कर रही है, अच्छा दूसरी भी कर रही है ना, चलो अच्छी बात है। ठीक है, सारी टाइल्स ना लगाने लग जाए भाई, मैं तो कह रहा हूँ वो जो दो लोगों को मैंने हाउसकीपिंग के लिए रखा है ना, उनका काम हो गया होगा मोस्टली अब तक, उनको है ना अभी चेंज कर देते हैं, और स्टाफ के जगह पर है ना हाउसकीपिंग के बदले वेयर हाउस ही रख देते हैं इन दोनों को। अच्छा एक जगह पर हम लोग तीन नहीं रख सकते, ठीक है चलो तीन अच्छी बात है ना, तीनों लोग मिलकर अच्छे से वेयर हाउस संभाल लेंगे, सारा सामान क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, हमें है ना गाइस दो सामान चाहिए थे, एक तो हमें वॉल लगानी है, बाथरूम क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ का बाथरूम थोड़ा सा अनफिनिश्ड है, हाँ देखो ये, चलो बाथरूम पूरा फिनिश हो चुका है यहाँ पर, अभी काम करते हैं ना, हर एक बाथरूम है ना हम लोग यही टाइल से लगा देते हैं। ठीक है, सारे बाथरूम के गाइस एक ही काइंड ऑफ टाइल्स रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसकी भी हम लोग और भी कोई बाथरूम है ना, ये वाला देखो, ये वाला बाथरूम, इसकी बाथरूम है ना, ये वाली टाइल्स रख लेते हैं हर जगह पर, थोड़ा वही है मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। एट द एंड हमें क्या करना है ना गाइस, पैसे कमाने हैं। ये देखो ये होता है सही तरीके से बाथरूम लगाना, भाई ये देखो क्या टाइलें लगाई हैं फटाफट। यहाँ पर भी देखो गाइस एक बार के लिए, तो यहाँ पर भी लगा ही देते हैं, अभी वो वाला कहाँ लेने आएंगे हम लोग, 37 है ना, एक काम करते हैं ये रहने देते हैं यहाँ पर। भाई ये वाले एपिसोड में इतना कंटेंट है ना भाई, ये तीन तीन लोग मिलकर गाइस अभी भी सही चीजें नहीं कर पा रहे हैं, सोचो हम लोग 5-5 चीजें उठा के लेके जा रहे हैं यार। एक है ना वो स्लाइडर मुझे करना पड़ेगा, 6 लोग शॉप पे आ गए हैं भाई, ये क्या हो गया, एक मिनट, शॉप पे काम सही से नहीं हो रहा है गाइस, शायद तो शॉप पे काम सही से नहीं हो रहा है, 6 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं गाइस शॉप पे। भाई एक और कैश काउंटर लगाना पड़ेगा, ये कर क्यों नहीं रही है यार, ये लड़की ने अटका दिया लग रहा है। भाई एक कैश काउंटर लगाना पड़ेगा, अरे हट जा भाई मैडम, तू हट जा, इसको रेस्ट करने दे, अभी मैं देखो काम करता हूँ यार। ये लड़की, ये वाली लड़की ने गाइस सारा बतंगड़ कर दिया है, अटक गए भाई लोग, हाँ अब हो रही है ना काम, भाई वहां पर अटक गए थे लोग, मैंने इसको थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा गाइस मुझे। अरे भाई इतना आवाज हो रहा है यहाँ पर, बाप रे, भाई मैं कह रहा हूँ ये है ना चीजें गड़बड़ हो रही है मेरे साथ गाइस, मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है। इतनी सारी, एक तो मैंने टाइल मंगवा ली गाइस यहाँ पर, फेंक फेंक के फेंकता हूँ यार, टाइल टूट जाएगी शायद। चलो आ जाओ रूम में लगाते हैं गाइस, फटाफट लगाएंगे हम लोग सारी चीजें। ठीक है, ऑलराइट, चलो ये क्या है अभी, ओके ये बाथरूम के लिए हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। एक काम करते हैं, हर जगह बाथरूम के जो बॉटम है ना ये लग गई यहाँ पर, यहाँ पर भी बाथरूम का जो बॉटम है ना ये लग गई इतनी यहाँ पर, और भी मंगवा लेते हैं, और भी है हमारे पास, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ऑलराइट, ये है ना गाइस फ्लोरिंग है, ठीक है फ्लोरिंग हम लोग लगा लेते हैं, इस वाले रूम की तो दिक्कत नहीं है फ्लोरिंग, इधर की भी दिक्कत थोड़ी सी लगी हुई है कोई और, ये वाली फ्लोरिंग यहाँ लगा देते हैं। आ जाओ भाई ये बड़ा रूम है यार, अरे रे 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 भाई ये तो बहुत बड़ा रूम है। ऑलराइट, सीलिंग की बात करें तो इस रूम में सीलिंग सारी ये लगा देते हैं हम लोग, आई है ना तो लगा ही देते हैं गाइस, ये मैं कह रहा हूँ। ऑलराइट, ये सीलिंग यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे टाइप की, और हम लोग ने ना हर एक के 4-4 पीसेस मंगवाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बाथरूम की सीलिंग ये लगा देते हैं, आ जाओ, नाइस, इस वाले बाथरूम की भी सीलिंग लगानी बाकी है शायद, चलो लगा दी, बहुत बढ़िया। ये क्या है अभी, ये हम लोग वॉल है ना ये, ठीक है एक काम करते हैं मार्बल वॉल ये लगा देते हैं पूरा। भाई टेंशन की बात नहीं गाइस, ऐसे हम लोग को ना खाली धड़ाधड़ काम करना है, बस रुक गए तो ठुक गए भाई, खत्म।
इतना ही है, मैं सिंपल भाषा में कह रहा हूँ आप लोग को। हाँ यहाँ पर मार्बल कम पड़े गए थे ना, ये नहीं, ये कहाँ लगाए थे हमने गाइस? ये वाले मार्बल बाथरूम में लगाने थे क्या मुझे किसी? इस वाले बाथरूम में नहीं यार, कौन से बाथरूम में गाइस? ये वाले मार्बल लगाने थे हमें, ये वाले बाथरूम में लगाने थे क्या? इसके बाथरूम के मार्बल हो गए हैं, इसके भी हो गए हैं बाथरूम के मार्बल, इसके भी हो गए हैं बाथरूम के मार्बल, ये तो है ही नहीं, हटा देते हैं फिर इसको ना। ओ भाई ये वॉल है ना, ये वॉल लगा देते हैं, आ जाओ, बढ़िया लग रहा है गाइस, ये वॉल भी अच्छा लग रहा है। ये क्या है? फ्लोरिंग है ना, ये कुछ अलग टाइप की फ्लोरिंग है जो हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं गाइस। ये क्या है अब? ये वॉल है भाई, ये वॉल को एक काम करते हैं, यहाँ सीधा लगा ही दो भाई, फटाफट लगा लगा के खत्म करते हैं ये सारी चीजें। चलो तो बाथरूम तो इसका हो गया है, 33 पीसेस का है यार, एक काम करते हैं अलग अलग ही रखते हैं, ठीक है? हाँ यहाँ लगा देते हैं ना, ये थोड़ा सा एक सिमिलर हो गया तो ये कलर थोड़े अच्छे लगेंगे, ये डिफरेंट लगेगा, ठीक है? अभी ये भी वॉल है। ऑल राइट भाई, अलग अलग जगह पर वॉल कर रहा हूँ, हर एक अलग अलग कलर कर रहा हूँ, बाप रे बाद में दिक्कत ना आ जाए। बाहर कर देते ना इसको, बाहर कर देते हैं, आ जाओ, डन है भाई, ऐसे करके लेकर आने गाइस हमें बस खाली फटाफट। तो मेरे हिसाब से गाइस अब ये दोनों के दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं भाई? ये देखो इतना यहाँ पर सामान अटका हुआ है यार, ये लड़कियां कर क्या रही है? पूरा का पूरा यहाँ से वहां बिखर के रख दिया मैंने ये एपिसोड को यार, यार यहाँ लगानी पड़ रही है यार चीजें। गाइस रुको, एक काम करने तो मुझे है ना, मैं वेयरहाउस माँ कसम इतना बड़ा कर दूंगा ना गाइस, 6,000 रुपए पूरे के पूरे वेयरहाउस पे लगा दूंगा मैं। अब इसको फिनिश डिलीवरी करने दो एक बार, मुझे वेयरहाउस बड़ा करेंगे अभी भाई, ये एपिसोड में खाली वेयरहाउस बड़ा कर पाए हम लोग। बाप रे कहाँ गया भाई मिसलिन डेकोरेशंस में, नहीं कहाँ था वेयरहाउस शेल्स भाई? ये मैं कह रहा हूँ 69 वाले है ना, ये 6 मंगवा लेते हैं भाई, 5 आ जाएंगे ना फिर भी बहुत बड़ी बात है यार। ये व्हीकल अभी बाहर निकली नहीं है तो ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए और भी चीजें हैं यहाँ पर आ गई है यार, एक कंप्यूटर ना मुझे वेयरहाउस में भी लगाना चाहिए, पता है आप लोग को? ऑलराइट गाइस लेट्स अपग्रेड अवर वेयरहाउस। भाई ये मैक्स है क्या भाई? यार वेयरहाउस कितना बड़ा कर लिया फिर भी मेरे को जगह कम पड़ रही है भाई। हमारा शॉप खाली हो गया वैसे देखा जाए तो, एकदम खाली, कुछ बचा ही नहीं है। अब फायर करना पड़ेगा भाई लोगों को, अब यहाँ पे तो शॉप बंद करनी पड़ेगी पहले तो। या फिर एक काम करते हैं, शॉप पूरी खाली होने देते हैं ना, अच्छे से हम लोग प्लेस कर पाएंगे सारी चीजें, ठीक है? चलो भाई अभी 2 एपिसोड पहले तो मैंने शॉप भरी थी यार पूरी। चलो आ जाओ गाइस, आ जाओ वापस चलते हैं फटाफट सामान लगाते हैं और भी, एंड आगे बढ़ते हैं गाइस चीजों को लेकर, वरना फंसते रहेंगे ना तो नहीं होगा कभी भी, ठीक है? ये यहाँ पर आ गया है, ये नई चीज आई है कुछ। हाँ ये हम लोग ने फ्लोरिंग कहीं तो लगाई थी, ये लगाई थी ये बाथरूम के अंदर है ना, कम पड़ी थी थोड़ी। नहीं यार ये तो वॉल है, हाँ यहाँ पर लगाई थी। चलो इसका काम हो गया है, ये हम लोग ने वॉल लगानी थी, ये 2 पीस लाए हैं हम लोग, मेरे हिसाब से ये पूरी वॉल ये भर देंगे दोनों मिलकर, बस इससे ज्यादा और वॉल नहीं लगा पाएंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पर इसका भी काम हो गया है। अब ये क्या है भाई, यहाँ पर लगाई थी ना मैं, हाँ ये देखो ये और भी लगेगी गाइस ये वाली चीज तो हमें। हाँ ये क्या है, वॉल है गाइस ये भाई, पैसे इतने कट गए भाई, इतने पैसे कट गए, ठीक है? ये वाली वॉल को मैं सोच रहा हूँ ऐसे कर दें भाई, सारा दुनिया भर का कलर कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ मैं आज तो, बाप रे। हाँ ये क्या है, ये बॉटम है, कहाँ का बॉटम नहीं हुआ है अच्छे तरीके से, देखो यहाँ पर काफी ओके बॉटम हुआ है, और यहाँ पर देखो ये सेम कलर की टाइल भी है, बढ़िया भाई ये तो परफेक्ट लग रहा है गाइस। यहाँ पर भी एक थोड़ी सी हमें ना बॉक्स वाली ये लेकर आनी पड़ेगी कहीं से, तो ये रही। क्या धड़ाधड़ काम कर रहा हूँ गाइस मैं, रूम बन रहे हैं अभी बढ़िया तरीके से। चलो ओके ये वाली हमें लेकर आनी है और भी कहीं से, ये हो गया सॉर्ट, ये भी हो गया सॉर्ट। यार हमें वो वुडन वाली फिनिशिंग वाली है ना वो नहीं लेकर आ पाया हमें, पता है कहीं से तो लेकर आनी पड़ेगी सारी। वही दिक्कत है गाइस, दिक्कत यही है कि मैं ना पता नहीं गड़बड़ हो रही है यार ये छोटी मोटी चीजों को लेकर। कैश काउंटर एक मंगवा लिया, लो मैंने गड़बड़ी में, सिर्फ एक कैश काउंटर की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक काम करते हैं, कंप्यूटर भी मंगवा ही लेते हैं, अब ये डिलीवरी ट्रक आया नहीं ना, एक है ना कंप्यूटर मंगवा ही लेते हैं, बड़े ट्रक में कंप्यूटर तो आ ही जाएगा। चलो ये भी फटाफट आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? अरे 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 ये क्या है ब्रो, भाई ये क्या हो गया? ओ तेरी, हाँ जाना भाई, अभी आगे कौन अटक गया यहाँ पर यार? हाँ तुम अपना रास्ता करो भाई, कहाँ जाना है इसको भाई? ये क्या है यार, होटल मैनेजमेंट सिम्युलेटर में ट्रैफिक सिम्युलेटर कैसे हो जा रहा है यार? इसका काम भी मुझे खुद करना पड़ रहा है, बोलो अब ये क्यों यहाँ अटक गया है? इसको जाना कहाँ था मुझे ये भी नहीं पता है भाई। रोड बनानी पड़ेगी रोड, ये आगे सामान फंस गया है यार। जाओ भाई बस तुम यहाँ जाओ, बढ़िया भाई ट्रैफिक सिम्युलेटर भी हम लोगों ने खत्म कर दिया, लेट्स गो। वाह भाई वाह भाई, एक सेकंड के लिए तो मैं पूरी फट गई थी भाई। मैं कह रहा हूँ आज का एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, ये एपिसोड मैंने सोचा था कि गाइस हम लोग है ना रूम बनाएंगे, बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, बट भाई मैं फंस गया गाइस, मैं फंस गया। एक काम करते हैं, कोई एक रूम खाली टाइलें लगा देते हैं इस रूम के और फिर एंड करते हैं ये एपिसोड, एटलीस्ट कुछ तो एकम्प्लिश हो भाई। ये देखो हमारे पास आ गया है यहाँ पर एक और पूरी डिलीवरी,
अब यहाँ पर भाई देखो इतनी सारी टाइलें लगी हुई हैं यार, मैं क्या बोलूँ मैं आप लोग को। 1 2 3 4 5 पांच चीज उठा लिए मैंने। वेयरहाउस को है ना अभी मुझे सही से मेंटेन करना पड़ेगा। ओ भाई ये देखो यहाँ पर इन्होंने कितना अच्छे से सजाया है यार ये सारी चीजें, नाइस। अच्छा यहाँ पर एक कंप्यूटर था क्या वेयरहाउस में, मैं भूल ही गया। हे भगवान, एक वेयरहाउस में भी एक कंप्यूटर लगा के रखा है मैंने यार। भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या है, मैं नहीं समझ मारो, पागल हो जाऊंगा मैं। माँ कसम मैंने क्या भसड़ करके रख दिए यार, मैं फंस गया हूँ, मुझे कोई बचा लो गाइज। ये हुई ना बात, अब कुछ समझ में आ रहा है भाई वो क्या रहा है मेरे वेयरहाउस में लिटरली। इससे पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तुम्हारा काम हो गया ना भाई, जाओ ना फिर जाओ, चलो बहुत बढ़िया। ओके यहाँ पर एक और बाहर रखा था मैंने, भूल गया गाइज। भाई गजब लेवल चीजें हो रही है यहाँ तो, गजब। भाई मेरे को नहीं लगता अभी हमारा अगला डिलीवरी आने वाला है, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिलीवर एक्स्ट्रा की चीजें मंगवा ली है ना भाई, ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है गाइस। मैं काम करता हूँ गाइस, मैंने जो बोला ना आप लोगों को मैं वो कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से फुटक लूंगा चुपचाप। ये देखो यहाँ पर इतनी सारी चीजें पड़ी है ना, मैं अभी जो करने वाला हूँ गाइस ये मास्टर माइंड होने वाला है, ठीक है अब ये देखना। ठीक है और कहीं पर ये देखो, ये एक है यहाँ पर, और कहीं पर मेरी कुछ टाइल्स पड़ी है क्या, ठीक है और कहीं पर कुछ टाइल्स पड़ी है मेरी तो मुझे अभी बता दो भाई। मैं कह रहा हूँ अभी मैं बहुत हेवी लेवल की मैं चीजें करने वाला हूँ अभी, ठीक है अभी क्या करूंगा गाइस ये पूरा उठा के ही चल जाऊंगा मैं वहां पर। साला दिमाग खराब कर दिया था भाई मैंने, सारी की सारी टाइलें उठा के वेयरहाउस यहाँ पर लेकर आ गया मैं, लेट्स गो। अब बताओ भाई क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको। अभी मेरे को देखने तो ये जो फ्लोरिंग है ये है वो है ना, यही है ना, हाँ यही है, खत्म हो गई ये फ्लोरिंग। और नहीं क्या वैसी फ्लोरिंग हम लोग ने नहीं मंगवाई यार, मंगवाई तो होगी यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसका तो देख लेंगे बाद में। हमें और क्या चाहिए, ये वाली फ्लोरिंग चाहिए ना, थोड़ी सी डार्क वाली फ्लोरिंग ऐसी टाइप की। ये फ्लोरिंग यहाँ पर आ जाएगी तो ये क्लीन हो जाएगा, काम खत्म। यार एक ही छोटा मोटा काम है ना हम लोग खत्म कर दिया जाते हैं, ये खत्म नहीं कर रहे हैं ना तो रह जा रही हैं चीजें। फिर और क्या चाहिए मुझे ये बताओ, व्हाइट वाली चाहिए, ये चाहिए। यहाँ पर लगी है ये चीज, सेम है क्या ये, हाँ ये सेम है, लेट्स गो। लगा दी यहाँ पर सीलिंग, बात खत्म, इसका टॉपिक खत्म। यहाँ पर भी सीलिंग लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बॉक्सेस का ही टॉपिक खत्म, चलो हटाओ। और क्या चाहिए, ये है क्या मेरे पास, यही है वो शायद, हाँ यही है वो। ये हुई ना बात, ये होती है बात, खत्म कर देते हैं ना गाइस। ये लो सीलिंग खत्म कर दी है, ये चाहिए अभी मुझे एक ऐसे टाइप का, रुक जाओ देखने दो, ये है क्या, नाइस नाइस नाइस, नॉट बैड। मैं कह रहा हूँ गाइस इसको है ना ब्लैक एंड व्हाइट रखते हैं, ये रूम को एडजेसेंट रखते हैं कलर्स। ये देखो ये पूरा ब्लैक यहाँ तक आ जाएगा, गाइस ये देखो मैंने क्या आज क्या भसड़ मचाई है मुझे ही पता है, इतने पैसे खर्च के भी कुछ भी नहीं करा मैंने ये एपिसोड में भाई, आई एम मेस्ड अप। सारी चीजें मैंने कितनी करने की ट्राई करी भाई, ये देखो क्या क्या गाड़ी आने लगी है हमारे यहाँ पर, शॉप हमारी पूरी खाली हो चुकी गाइस, ये देखो सारा चीज खा गए लोग। अब एक काम करने दो, खत्म कर, शॉप बंद करने दो मुझे, और ये हायरिंग हायर जो करा है ना मैंने इनको, कैश रजिस्टर संभाल रहा है, को फायर करने दो मुझे। हाँ बढ़िया भाई, शॉप क्या खाली होते जा रहा है, मतलब इट्स लाइक मतलब कोई मतलब ही नहीं है भाई, तीन तीन चार चार सेकंड में खाली हो जा रहा है हमारा शॉप, कैन यू इमेजिन, इतना तेज क्या है भाई, इतना क्या पॉपुलरिटी बढ़ गया मेरे इसका। चलो भाई लोग खत्म करते हैं आज, लिटरली आई एम वेरी मच भाई, एटलीस्ट चलो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग ने गाइस इतना पैसा खर्च किया, ये सारा हम लोग ने शॉप एटलीस्ट अभी थोड़ा हम लोग सिस्टमेटिक दिख पा रहे हैं। ठीक है आप लोग मुझे सजेशन दो भाई, ये मैंने पता नहीं क्या यहाँ पर इतनी सारी चीजें मंगवा दी ना, ओवर आज मैंने एक्सपेंस कर दिया गाइस, पता है जिन जिन चीजों की जरूरत नहीं थी, वॉशिंग मशीन ये सब खाने पीने की चीज, चलो तो बाद में मतलब जरूरत तो है ही, बट मैंने भसड़ कर दी गाइस और कुछ नहीं। यहाँ पर हमारा वेयरहाउस भी अभी पहले से बहुत बेटर लग रहा है, बट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, बहुत सारी चीजें अभी मेंटेन करनी है हमें। बट यार दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप यू एंजॉयड, अगर आप लोग को मजा आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड इतना अपने पूरे YouTube करियर में इतना कंफ्यूज्ड में किसी वीडियो में नहीं रहा हूं जितना मैंने अभी रहा हूं इस एक डेढ़ घंटे में। लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।